डिफरेंट सीड बोने हैं, सपोज कि हमें ये बोना है तो आप उसमें भर के ये हैं उसके सीड के अलग अलग, जैसे हमें इसमें गेहूं बोना है, ये उड़द मूंग बोना है कुछ भी, और एक और पतला वाला होगा यहीं पे, ये देखो ये सरसों का दिख रहा है जी। हाँ सरसों भी बो सकते हैं ना, ये पतला आप मस्टर्ड सब, एक मिनट यही होगा, ये सरसों सरसों का भी है ये पतला वाला, आप देखो ये लगे देखो आप डिफरेंट वैरायटी के, जैसे आपको सरसों बोना ये पतला वाला लगा है ठीक है, और ये गेहूं बोना गेहूं, तो ये इस डब्बे में पूरा है, बुवाई का है, कल्टीवेटर जुताई के लिए होता ही है। क्या होगा कि जैसे आप कल्टीवेटर में सीड ड्रिल नहीं खरीदना, बहुत महंगा आता, 70-80 हज़ार के आसपास आता सीड ड्रिल है, उसके लिए रेट्रोफिट टाइप बनाया कि एक मशीन भी क्यों ऐसी यूज किया है, मतलब ये जो ये ना सेम ही है पूरे हर टाइम के लिए है, 9 है पूरे 9 है कि 9 है कल्टीवेटर में बुवाई मशीन है ठीक है, इसमें ये अलग अलग लगे हैं उसके लिए। ये बीज कल्टीवेटर की कीमत है? ना ना कल्टीवेटर तो अलग से है, ये मशीन की कीमत है पूरा, ये सब ना ये है और ये सब 9-10 ये होंगे टोटल, ये होगा तो इसी में फिट है ना? हाँ इसी में फिट है, नहीं आप निकाल के रख लो कोई दिक्कत नहीं, ये वो वाला फिट वाला आगे, अगर आप बुवाई करने अपना लगा दो बस फिट करके जुताई करते, हाँ जुताई इससे जुताई करते रहो तो इससे आपको नई मशीन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी के माध्यम से लग जाता क्या है बोने का तरीका, मतलब कितना निकालना हमें इसको एकड़ में? हाँ वो ये है ना, इसमें जैसे यहाँ पे लिख देते कि मान लो कि 50 किलो का एक अर्थ बोना, 100 किलो का एक अर्थ बोना, जैसे आप सरसों में कितना बोते, 10 किलो 10-12 किलो ही बोते होंगे, तो उसके लिए ये वाला देखो ये पतला वाला ये है ना, ये वाला इसमें ये लगा पतला वाला, ये मीट अगर आपको जैसे ज्यादा बोना तो उससे थोड़ा और बड़ा वाला ले लो कि एक जगह ज्यादा सीड कर जाए। इसका नाम क्या है पूरा? इसका नाम अभी दिया है पूसा कल्टीवेटर प्लांटर। पूसा कल्टीवेटर प्लांटर, ये चलाने सब चलते हैं ना? हाँ ये चलते हैं सब चलते हैं, यहाँ मोटर लगा हुआ है। हाँ ये मोटर पे यहाँ पे बटन है मेन स्विच, अब जैसे चलाओगे देखो सब चलेंगे अंदर से अंदर, बिल्कुल सब चल रहा है ये कंट्रोल पास हो रहा है, ये गाइड व्हील चलेगा तो फिर सारा चलेगा, वो उसी जैसी सीट ड्रिल में इसके साथ साथ चलेगा, उसी के हिसाब से सीट ड्रिल में जैसे आगे लगा रहता ग्राउंड व्हील, वही मेन पर्पज इसका इससे है कि जिससे कि आपकी जो ट्रैक्टर की स्पीड है वो इससे इसके साथ सिंक्रोनाइज होगी, जहाँ पे फील्ड आए वहीं पे बस सीट गिरेगा। हाँ ये है उसका, जैसे आप जैसे ही अगर फील्ड में ये चलेगा तभी ये सब चलेंगे, अगर ट्रैक्टर कल्टीवेटर ऊपर है तो बिल्कुल नहीं चलेगा, और अगर आपको जैसे चला रहे हो आपको लगता है कि इस जगह हमें स्विंग नहीं करनी सीट नहीं बोना, तो यहाँ पे एक बटन है आप उस बटन को बंद कर दीजिए आगे, उससे क्या होगा कि आप काफी चलाते रहिए कोई यूज नहीं होगा, उसका पूरा पावर कट ऑफ हो गया। ये बेसिकली इंटरक्रॉपिंग के लिए, इंटरक्रॉपिंग के लिए भी यूज कर सकते हो आप, एक सिंगल क्रॉप के लिए भी यूज कर सकते हैं। इसका मेन पर्पज है जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं जिनके पास नहीं है, मतलब कल सीड ड्रिल क्यों खरीदें, तो ये अपना खरीद के यूज कर सकते हो, जैसे आपका सीजन खत्म होगा आप इसको निकाल कर यूज करके क्रॉप में भर के रख दीजिए, अगर आपका कोई रिलेटिव भी यूज करना चाहे तो आप उसे भी 25 kg के अप्रोक्स का वेट है, बाइक में पीछे टांगो और उसको जाओ भी यूज कर सकते, ऐसा कोई नहीं। बैटरी पावर कितना लेता है ये बैटरी किससे ऑपरेटेड है? ट्रैक्टर के बैटरी से क्या कॉस्ट आ रही होगी अभी? इसकी कॉस्ट है 20-25 kg, 1000। तो अगर आप जैसे कमर्शियलाइज हो जाएगा ये तो इसके 4-5000 कॉस्ट अप्रोक्सीमेट कम हो जाएगी। अभी अंडर रिसर्च है एक तरह से? हाँ रिसर्च हो गया, इसके ट्रायल भी हो चुके हैं, इंडस्ट्री से भी पार्टनरशिप हो चुकी है इसकी, तो बस उसका है कि आप जितने नंबर ऑफ कस्टमर्स बढ़ेंगे उतना सही रहेगा इसके लिए। ओके अगर आपको है तो आप इसमें अपना नेम और बिल्कुल बिल्कुल वो लिख दीजिए। ये थोड़ा सा नया टाइप का दिख रहा है, अदरवाइज कल्टीवेटर तो दिखता है लेकिन डिफरेंट सीड्स एक बार में स्विंग करने वाला कम दिखता है। एक ही बार में दो तीन तरह के सीड डाल सकते हैं।